दोस्तों काम बोलेगा चैनल से मैं राजेश वर्मा इस वीडियो में बात करेंगे, बताएंगे कि इंडक्शन चूल्हा में कई बार अक्सर ये जो प्रॉब्लम मैं इस वीडियो में बताऊंगा वो अक्सर आ जाती है और किस तरीके से उस प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर पाएंगे, हम काफ़ी सिंपल और सरल तरीके से बताएंगे। देखिए ये है बिजली की बोर्ड, मतलब प्लग वायर है, इसको बिजली की बोर्ड में लगाते हैं। इस तरीके से आप इंडक्शन चालू तो हो जाती है, जैसे यहाँ पर हम कोई बर्तन में किसी चीज़ को रख कर पकाते हैं, गर्म करते हैं, तो यहाँ पर देखिए स्विच है, ऑन करते हैं, ऑन करते हैं, यहाँ पर सारा फंक्शन बिल्कुल चलती है, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। लेकिन कई बार प्रॉब्लम क्या आती है, जो पानी है वो गर्म नहीं होती है, या फिर कुछ देर ही गर्म होती है, उसके बाद से गर्म होना बंद हो जाता है। ये प्रॉब्लम क्यों आती है हम समझेंगे बहुत सिंपल और सरल तरीके से, ताकि आप भी जान पाएंगे और इस तरीके से जो प्रॉब्लम आएगी उसको काफ़ी सिंपल और सरल तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। चलिए वीडियो में बताते हैं। सबसे पहले स्विच ऑफ करते हैं इसका, यहाँ से भी ऑफ कर देते हैं, प्लग निकाल देते हैं, ये कटोरी को भी यहाँ से हटाते हैं। अब देखिए इसमें प्रॉब्लम क्या आती है वो हम बताएंगे काफ़ी सिंपल और सरल तरीके से। तो सबसे पहले इसके पीछे की स्क्रू होती है, उसे हमने निकाल लिया है, आप भी निकाल सकते हैं, ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं हो, हम फटफट बताते हैं, वो सिंपल तरीके से बताते हैं। ये देखिए सिंपल क्या करनी है, ये जो पार्ट है ये खुल जाती है, देख पा रहे हैं। अब यहाँ पर आपको एक चीज़ चेक करनी है, ये जो पंखा दिख रही है, पंखे के आसपास कई बार बहुत ज़्यादा कचरा जम जाती है, जिसके कारण कूलिंग फैन ठीक से घूम नहीं पाती है, वर्क नहीं करती है। इस कूलिंग फैन का मतलब होता है, ये जो हीटर है, हीटर जब ज़्यादा गर्म होती है तो उसकी हीट को ये कूलिंग फैन बाहर फेंकती है, ताकि ये ज़्यादा हीट नहीं हो और हमारे जो सामान पका रहे हैं या बना रहे हैं उसको बिल्कुल अच्छे से ज़्यादा देर तक चलाने में हेल्प करती है कूलिंग फैन। आपने देखा होगा कंप्यूटर वगैरह बड़ी बड़ी मशीनों में ये जो कूलिंग फैन लगी होती हैं, तो कई बार ये जो प्रॉब्लम आती है कूलिंग फैन की आती है। कूलिंग फैन में देखेंगे कि कहीं ज़्यादा कचरा तो जाम नहीं हो गया है, या फिर कोई तार इसमें से टूटी तो नहीं है, चल तो नहीं रही है, इस तरीके से चेक करेंगे। अगर नहीं चल रही है, कचरा से जाम है, तो कचरा साफ़ करनी है यहाँ से। और अगर चालू ही नहीं हो रही है, देख पाएंगे, सूंघ कर पता कर पाएंगे कि ख़राब हो गई या नहीं। अगर पता चल जाती है आपको ये जो कूलिंग फैन ख़राब है, तो सिंपल क्या करनी है, यहाँ से देखिए पिन लीड होती है इसकी, इस पिन को निकालनी है, मार्केट में जानी है, कूलिंग फैन दूसरी लानी है, और सिंपल कनेक्टर के हिसाब से आती है, ज़्यादा कोई गणित नहीं लगानी है इसमें, और बहुत सिंपल और सरल तरीके से आप कूलिंग फैन चेंज करेंगे और आपके इंडक्शन जो रुक रुक कर गर्म होती है, या फिर कुछ देर गर्म होने के बाद गर्म करना बंद कर देती है, उस प्रॉब्लम को काफ़ी सिंपल और सरल तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। दोस्तों मेरी जानकारी अच्छी लगी, वीडियो लाइक शेयर कीजिएगा, फिर से लाऊंगा नई वीडियो। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।